देख रहे हैं सीएमएन न्यूज, मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। गाजियाबाद में फूड विभाग का लाइसेंस बनवाने वाला राहुल पुलिस की गिरफ्त में है। राहुल लोहिया नगर में एक दुकानदार को फूड लाइसेंस बनवाने के नाम से ठगा किया करता था, तभी असली फूड विभाग को सूचना मिली और फूड विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने जांच की तो पता चला राहुल खाद विभाग का नाम लेकर लोगों को ठगा करता था। फूड विभाग की टीम ने मौके से ही सिहानी गेट पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने थाने लाकर राहुल से पूछताछ की तो पता चला कि राहुल कई लोगों को ठग चुका है। राहुल के पास से फर्जी दस्तावेज, डायरी और अन्य कागजात बरामद हुए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।